दोस्तों, साल था 1980, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार थी। लखनऊ के चौक इलाके में डालीगंज के पुल से थोड़ा ही पहले कुछ मजदूर एक नई पार्क के लिए जमीन समतल करने का काम कर रहे थे। इलाके में सुगबुगाहट थी कि चौक में एक नई पार्क आने वाली है, पर इस बात का अंदेशा किसी को ना था कि आगे आने वाले सालों में ये पार्क लखनऊ के दिलों के इतने करीब आ जाएगी कि आज 40 साल बाद भी हम इसे याद कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो ज़माना था जब लखनऊ में मोबाइल टेलीफोन तो छोड़ दीजिए, ज़्यादातर घरों में टेलीविज़न तक ना हुआ करते थे। एंड इस ज़माने में सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी अपने परिवार के साथ पार्कों में पिकनिक बनाना पसंद किया करते थे। इस पार्क का नाम भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया, जिनका लखनऊ के इतिहास में एक ख़ास महत्व। दोस्तों, इस पार्क के जान बने दो मुख्य आकर्षण, एक था पानी में बोट की सवारी और दूसरा क्रिस्टोफर कोलंबस झूला। शायद आज आपको ये दोनों ही चीज़ें खास ना लगें, पर आप एक बार अपने आप को उस समय में रख के देखिए जब कोई अपने ख़ास से मिलने बुद्धा पार्क जाया करता होगा और इस बोट की सवारी के किस्से खतों की कहानियों में तब्दील हो जाते होंगे। एंड ऐसे कई खत लखनऊ के कहीं सी कोनों में आज भी धूल खा रहे होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए जिस बुद्धा पार्क ने लखनऊ को इतने खूबसूरत लम्हे दिए, उसको ऐसे ही भुला देना नाइंसाफ़ी होगी। एंड सर, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि लॉकडाउन के बाद जब भी आपको वक्त मिले, एक दिन शाम में अपने फ़ोन मोबाइल घर में छोड़ के अपने परिवार के साथ लखनऊ के किसी भी पार्क में थोड़ा वक्त गुजारिए, शायद आपको वो वक्त पसंद आ जाए। और जो लोग भी चौक में रहते हैं उन्हें बिल्कुल पता होगा कि बुद्धा पार्क के उन टीलों के ऊपर से बचपन में रोल करना और वहाँ पे जो बोट है उसके अंदर जो शरारती बच्चे हैं उनका गिर जाना, हो सकता है इस ग्रुप में ही कोई ऐसा रहा होगा जो बचपन में इतना शरारती रहा हो कि वो बोट से उस पानी में गिर गया होगा। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और भाई, मैं उस ज़माने में तो था नहीं, तो मुझे शायद अपने कम अनुभव की वजह से मैं इस चीज़ को इतने अच्छे से डिस्क्राइब ना कर पाया हूँ। तो जो भी जिसको याद है 1980 का लखनऊ, प्लीज़ कमेंट्स में आप लखनऊ का कोई किस्सा 1980 का या उस ज़माने की कोई बात ज़रूर लिखिए भाई, ज़रूर मैं कमेंट आपका पढ़ना बहुत पसंद करूँगा भाई। थैंक यू सो मच।